जनहित कार्य होने के बावजूद सरकारी नजरअंदाजी, लेट लतीफी, लापरवाही और ठोस निर्णय लेने में देरी के चलते विभिन्न विकास कार्यों की लागत बढ़ना हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। नागपुर से नागभेड़ तक नैरोगेज को ब्रॉडगेज रूट में बदलने की परियोजना भी इसी लेट लतीफी का शिकार हो गई है। दूसरी ओर नागपुर इतवारी से 116.15 किलोमीटर लंबे नैरोगेज ट्रैक को ब्रॉडगेज में परिवर्तित किया जा रहा है। कुही तहसील में आने वाले इस प्रोजेक्ट के चौथे चरण का काम चल रहा है, जिसके लिए 550 करोड़ रुपए की लागत में वहां ब्रॉडगेज का काम किया जा रहा है। किसानों और गाँव वासियों के आवागमन के लिए बनाए जा रहे इस निर्माण कार्य में रेलवे अंडर ब्रिज का भी काम किया जा रहा है। मात्र आरयूबी की ऊंचाई कम करने से इस निर्माण कार्य में करोड़ों का भ्रष्टाचार हो रहा है, यह सीधे तौर पर देखा जा रहा है। ऐसा आरोप किसान क्लब के अध्यक्ष नंदकिशोर दंडारे इन्होंने लगाया है। MRIDC ने यह आरयूबी के निर्माण के लिए सब कॉन्ट्रैक्ट जेटवर्क कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया। इसके बाद जेटवर्क कंस्ट्रक्शन ने यह पेटी कॉन्ट्रैक्टर CS कंस्ट्रक्शन को निर्माण का जिम्मा सौंपा। नियम के अनुसार आरयूबी की ऊंचाई 5 मीटर होती है, परंतु CS कंस्ट्रक्शन ने इस आरयूबी को 3 मीटर में बनाया। ऊंचाई कम होने से वहां से किसानों और स्थानीय लोगों के वाहन फंसने के आसार ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को देखने वाले MRIDC ने पूरी तरह से अनदेखा किया है। वही प्रोजेक्ट मैनेजर, तहसीलदार और स्थानीय नेता भी ऊंचाई कम करने में लिप्तता देखने को मिल रही है। 2 मीटर रेलवे का अंडर ब्रिज में भ्रष्टाचार हो रहा है। इस पर प्रशासन ने ध्यान देकर इस करोड़ों के घोटाले को उजागर करने की मांग किसान क्लब के अध्यक्ष नंदकिशोर दंडारे इन्होंने की है। किसानों को खेतों में जाने वाला आरयूबी का रास्ता इतना दिक्कत से भरा MRIDC ने बना दिया है कि जिससे किसानों की समस्या सबसे बड़ी हो गई है। अगर किसानों के हित के लिए बनाए जा रहे आरयूबी का निर्माण कार्य सिर्फ MRIDC के फायदे के लिए दिख रहा है, स्थानीय किसानों के रास्तों के निर्माण पर भ्रष्टाचार की मलाई खाते नजर आ रहे हैं। माजी है नागपुर नागभेड़ रेलवे मध्ये 2 एकर शेती गेली आहे। या शेतीचा मोबदला मिळाला, पण रस्त्याची सोय झालेली नाही आहे। तरी आम्हाला फक्त रस्त्याची व्यवस्था करून द्या एवढीच आपणास सरकारला विनंती आहे। जर समजा तुम्ही हे जाण्याची व्यवस्था जर नाही केल्या, तर आम्हाला त्या बाजूला जाण्यासाठी काहीतरी माती टाकून जायची व्यवस्था करावी लागेल। रेल्वे लाईन गेल्यामुळेच आमची समस्या, म्हणजे त्या बाजूला आमचं वावर आहे, या बाजूला वावर आहे, तर आम्हाला रस्ता म्हणजे चांगला पाहिजे, एवढीच आमची समस्या आहे। जेव्हा आमच्याकडे आले होते रजिस्ट्रीसाठी, त्यावेळेस म्हणाले होते का रोड बनवून देऊन आम्ही तुम्हाला दोन्ही साईडनं, तर त्यांना काही रोड बनवून दिला नाही। आम्हाला रस्ता करून पाहिजे, आम्हाला मेन गोष्ट आहे, आम्हाला काही नको पाहिजे। अगर आरयूबी प्रोजेक्ट का तुरंत समाधान नहीं किया गया तो किसान जन आंदोलन करेंगे, साथ ही प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य आगे बढ़ने नहीं देंगे। ऐसे चेतावनी भी किसान क्लब के अध्यक्ष नंदकिशोर दंडारे इन्होंने दी है। बता दें कि नागपुर इतवारी से 116.15 किलोमीटर लंबे नैरोगेज ट्रैक को ब्रॉडगेज में परिवर्तित करने के लक्ष्य 20 महीने राज्य सरकार द्वारा महाराष्ट्र रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी का था, लेकिन 3 साल बाद 50% ही काम हो सका। वही मूल प्रोजेक्ट की लागत जो 1400 करोड़ थी, अब 1700 करोड़ के आसपास लागत पहुंच गई है। प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रशासन के अधिकारी समेत स्थानीय नेताओं की बाधा इसका मूल कारण है। महाराष्ट्र TV 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, नागपुर।